नमस्कार दोस्तों, बोल स्काई में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम दो मुद्राएं अपान मुद्रा और पान मुद्रा के बारे में जानेंगे, जिसे आधे सिर दर्द को 10 मिनट में ही आप दूर कर सकते हैं। सबसे पहले अपान वायु मुद्रा करने के लिए आप अपने हाथ की तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे के आगे के भाग को मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली के आगे के सिर से लगा देने से अपान वायु मुद्रा बनती है, लेकिन कनिष्ठिका यानी कि छोटी उंगली बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अपान वायु मुद्रा को सुबह और शाम लगभग 15-15 मिनट तक करना चाहिए। इस मुद्रा को करने से आधे सिर का दर्द, दिल के रोग और ब्लड प्रेशर जैसे रोग पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाते हैं। अपान वायु मुद्रा दिल के रोगों में तुरंत ही असर दिखाती है, साथ ही किसी व्यक्ति को दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक पड़ने पर इस मुद्रा को करने से तुरंत ही लाभ होता है। इसके निरंतर अभ्यास से पेट के सभी रोग जैसे पेट में गैस आदि तथा पुराने रोग जैसे गठिया और जोड़ों के दर्द में लाभ होता है। चलिए अब जानते हैं पान मुद्रा के बारे में। इस हस्त मुद्रा को करते समय हाथों की आकृति पान के समान बन जाती है, इसलिए इसे पान मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को अंगूठे से इस तरह मिलाइए कि बीच में पान की आकृति बन जाए, बाकी की बची हुई सारी उंगलियां खुली रहेंगी। इस हस्त मुद्रा को करने से कुछ ही समय में सिर का दर्द और आधे सिर का दर्द बिल्कुल दूर हो जाता है। इस मुद्रा को आपको सुबह और शाम 5-10 मिनट तक करना चाहिए। इस तरह इन दोनों मुद्राओं को करके आपको आधे सिर के दर्द से तुरंत लाभ मिलेगा। लाइफस्टाइल से जुड़ी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल स्काई।